सब ठीक ठाक हूँ गाइस। आज हम करेंगे स्लॉप हेयर कट कैसे किया था, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। बस ऊपर वाले को ना हम ऐसे जा के लेकिन इस वाली साइड को हम इस वाली साइड को हम ऐसे ऊपर उठा के जहां पर लगा देते हैं क्लिप लगा देते, ठीक है, ऐसे क्लिप लगा इस साइड में भी हम ऐसे लगा देंगे। गैस अब हम लगाएंगे नीचे नीचे एक नंबर, यानी कि आज जीरो ही लगाएंगे, यानी कि एक नंबर लगा के उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप स्लॉप हेयर कट करके दिखाएंगे इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। गैस मेरे पास एक नंबर आप दे सकते हो, ठीक है, यानी कि मैं एक नंबर लगाऊंगा, यानी कि क्लच नहीं दाबूंगा, कुछ भी दाबना, यानी कि नॉर्मल में ही रखना है, ठीक है। मैंने ये करना भाई इससे ऊपर नहीं उठाना, उसको कान को भाई ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक। फिर क्या करना है हमें ये वाली साइड, भाई इसके ऊपर नहीं जाना, यानी कि इतने इतना ही हमने नीमा रखना है, ये वाली चाय चीज होगी ना, यानी कि इसको गुलाई में रखना, फिर आसान हो जाता है जब हम मैच करते हैं ना, फिर इसको दिक्कत आती है। यार ये बड़ा इजी है हेयर कट, बहुत आसान, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो फिर तो कर पाओगे, ठीक है। इसको करना हमने इसको पकड़ के, यानी कि ज़्यादा नहीं उठाना यार, हमने नीचे एक नंबर तो लगा लिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे ऊपर तीन नंबर, यानी कि जे मेरे पास है तीन नंबर, ठीक है। क्लच नहीं दबाना, कुछ नहीं करना भाई, नॉर्मल में ही रखना हमने, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं उठाना, इतने तरह ही लगाना हमने, ठीक है। ऐसी गली की मदद से ना, यानी कि उसके हिसाब से उतना उतना निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर नहीं करनी, यानी कि हम इस वाली साइड पर भाई उतना उतना ही खाना जितने उतना उस साइड में उठाया हमने, ठीक है। यार बहुत आसान है यार, अगर ये वाला हेयर कट करोगे तो बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। हमारा तीन नंबर भी लग चुका है भाई, अब हम कितना लगाएंगे ये देखो। गाइस हमने तीन नंबर ऊपर लगा लिया भाई, अब इसको मैच करना है, इसको कैसे करेंगे। ये मेरे पास आ गया दो नंबर, यानी कि 6 mm का कंघा होता है। इसको कंघे को पहली बात तो आप कंघे को याद रखा करो, ठीक है भाई। मैं फिर इसको लगा लूँ, क्लच नहीं दाबना, कुछ नहीं करना, यानी कि नॉर्मल में ही रखना, जैसे है उसी ही रखना इस भाई, इसको बोलते हैं क्लच, ठीक है। अगर इसको दबाएंगे इसको क्लच, कभी कभी क्या होता है किसी बंदे को नहीं पता होता, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। हमने ये करना, इस वाले को हम मैच करेंगे, ये आपकी मैच होती है, देखो ये आपकी ऐसे मैच हो जाएगी। इसको फिर नीचे करेंगे हम, इस वाले पार्ट को हम ऐसे मैच कर देंगे, भाई दोनों साइड में हमने ऐसे करना है, यानी कि मशीन को बड़े आराम से चलाना है, ठीक है। तो ये वाली लेयर है ऊपर वाली, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं आपने, ठीक है। जो हमारे नीचे लाइन दिख रही है भाई, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, यानी कि हल्की हल्की दिख रही है भाई, उसका भी इलाज है, यानी कि मेरे पास आ गया एक नंबर, यानी कि 3 mm का कंघा होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं लगाऊंगा भाई इसको, हम दाबेंगे क्लच, ठीक है। तो कितने, यानी कि फुल नहीं दाबना, यानी कि 3 या 4 पॉइंट पर हमने इसको रख लेना है, ठीक है। ये वाली होगी ना जो हल्की हल्की होगी, उसको उठा उठा के, यानी कि ऐसे जब अगर उठाओगे ना ऊपर ऊपर, यानी कि ऊपर ऐसे मशीन उठाओगे, तो तभी हमारी लाइन मैच होगी, ठीक है, जो नीचे वाली है हल्की हल्की,
ठीक है। इसको तो हमने फिर ऐसे करना, देखो ऐसे हमारी मैच होती जाएगी, यानी भाई बीच में नहीं चलानी यानी कि, ठीक है। आप ऐसे मैच करोगे तो आपकी बिल्कुल जेब आराम जब सारा मैच हो जाएगा आपका। अब आ गया भाई इस साइड, यानी कि ऊपर वाली लेयर को हमने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी भाई, ठीक है, इतना ध्यान रखें। अब देख सकते हो हमारी ये वाली भी मैच होगी, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, जी देखते हैं, यानी कि इसको हम मैच करेंगे यानी कि बड़े वाले पिन के साथ। बस अब आगे हमारी ये वाली, यानी कि हल्का हल्का, यानी कि आप कैंची के साथ भी कर सकते हो, यानी कि ट्रिमर के साथ भी कर सकते हो, यानी कि मेरे पास ये वाले ट्रिमर है, आज मैं इसके साथ करके दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है। पहले भाई हमने क्या करना है, पहले इसको कलम को बना देना, यानी कि ऐसे करना, ठीक है, हम कलम को बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना, हमने ये बना होगा यानी कि हम कैसे यानी कि उसको रखना है, ठीक है। एक तो डिजाइन भी हमारा बन गया, ठीक है, अब करेंगे बस ये वाला। इसको क्या करना भाई, ये वाली मेरे पास छोटी वाली ट्रिमर, अगर आपके पास नहीं है भाई, ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पर जाके इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। दोनों ट्रिमर का दिया हो, कोई भी लेना होगा आप ले सकते हो, ठीक है। इसको हमने हल्का कैसे मैच करना, जिनकी यार ज़्यादा नहीं करना, जिनकी हल्का हल्का ही करना आपने, ठीक है। इसको भी करेंगे हम टू मशीन के साथ ऐसे बना देंगे, यानी कि ये बिल्कुल अंतर नहीं करना यार, थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो गर्दन होती है ना हमारी हैवी लगती है, जिनकी भारी लगती है, ठीक है। उसके बाद कान को ऐसे पकड़ेंगे, कान को पकड़ के कैसे गुलाई देते हैं, आप कैंची के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं वैसे ट्रिमर के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, जिनकी मैं ज़्यादा खुशी ट्रिमर के साथ कर ली, ठीक है। उसके बाद आगे ये वाला हमारा भाई, ठीक है, अब आ गया भाई इसको, यानी कि दोनों साइड में जैसे हमने उस साइड में किए ना भाई, इस साइड में भी आप ऐसे ही करना, ठीक है। अगर ये आपके पास ये वाला भी कंघा नहीं है, ठीक है, इसका भी लिंक दिया हूँ, वहाँ पर जाके इसको बाय कर सकते हो। अब आ गया हमारा ये वाला, ठीक, भाई आप आगे ये वाला जैसे हमने उस साइड में बनाया ना, इस साइड में भी ऐसे बनाया, ठीक है। इनकी ज़्यादा नीचे मत करना, ठीक है, ऐसे खराब हो जाएगा। ये भी हमारा हो चुका है, अब हम हल्के हल्के करेंगे ऊपर वाले। अब भाई हम हल्के हल्के जाने के ऊपर वाले करने, जाने के ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि तभी अच्छे लगते हैं। भाई ऐसे क्या, हम लोग ना जो मेन जो बाल है ना हमारे, बिल्कुल प्रॉपर काटे जाएंगे क्या, ठीक है। हमने भाई इसको क्या करना, इसको हम ऐसे उठा के ना, जिनकी यानी कि हल्के हल्के, यानी कि हम काट सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं हल्के हल्के काट के रखूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके ही बरोबर जे वाली जो लेंथ मैंने काटी ना, इसके बरोबर जे वाले पा लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से हमने काटे थे। देखो हमने जे वाले काटे तो नीचे आ गए हमारे, ठीक है, अब हम इसको काट, ऐसे अगर काटोगे ना तो आपके बिल्कुल बाल बरोबर कट जाएंगे। देखो जो जो बड़े थे भाई उसके साथ मैच हो गए, ठीक है, देखो बड़े ही वाले काटे थे उस साइड पे, ठीक है। आप तो आसान तरीके से काट सकते हो यार, ठीक है। अगर यार वीडियो बढ़िया लगती है यार, प्लीज़ लाइक जरूर कर देखो, ठीक है। अब आ गया भाई इस वाला, ठीक है, देखो जो हमने मैंने नीचे वाले काटे थे इस साइड में आ गए, ठीक है, वो ऐसे काट दो, ठीक है, देखो मैंने काट दिया, इसको
उसका तो फिर ऊपर करेंगे जिनकी यार देखो जो हमने काटे थे वो ठीक है ग्रोबर हो जाएंगे हमने देखो हमने ऐसे ही ग्रोबर कर लिया ये आसान तरीका है आसान तरीका ठीक है क्या यार आप काट सकते हो ठीक है आप भाई लगाएंगे हम ब्लेड ठीक है देखो ऐसे ही हमने स्लॉप हेयर कट करना है यानी कि एक बात और मैं बता दूँ जो ये वाली मेन चीज है ना पीछे वाली देखो वो इसके साथ मैच हो जाएगी देखो बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाएगी देखो आप देख सकते नीचे ठीक है और इसके साथ मैच होगी बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है ठीक है आप ऐसे कटिंग कर सकते हो ठीक है भाई अब हम लगाएंगे ब्लेड ब्लेड भाई कैसे लगाते हैं आपको बताइए ठीक है चुप भाई ऐसे हम ब्लेड डाल देंगे भाई उतना ही बाहर निकालना जितना आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जितना आप चला सकते हो ठीक है आपने ऐसे से लगा देना यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ट्रिमर लगाएंगे हम इसको हम नीचे खींच देंगे भाई ऐसे करके जी मेरे कान को ऊपर कर लेना भाई थोड़ा ध्यान से लगाना ऐसे क्योंकि थोड़ा दिक्कत भी करेगा आपको ठीक है ज़्यादा नहीं लगाना ब्लेड भाई हल्का हल्का लगाना यानी बिल्कुल पतला सा होना चाहिए ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए फिर बेकार लगता है यार ठीक है ऐसे हम दूसरी वाली साइड पे करेंगे ऐसे कैंची लगाना नहीं पहले बहुत हल्का हल्का ऐसे ब्लेड लगा देंगे जी हमारा हेयर कट तैयार हो चुका है ऐसे ही हमने करना है कैसे लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसे लगे कोई वीडियो चाहिए होती है भाई मुझे कमेंट में बता दिया करो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किया करो क्योंकि यार आप लोग करते नहीं क्योंकि आप तक फिर वीडियो पहुंचती नहीं है ठीक है अगर कोई भाई मेरे से बात भी करना चाहते तो इंस्टाग्राम पर उसका लिंक मेरे नीचे दिया हुआ है ठीक है मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर देना आपके मैसेज की रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगी जब तक लेते नहीं अगली वीडियो फिर मिलते हैं धन्यवाद।